खबर महाराजगंज रायबरेली से, जहां ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के मात्र एक पर्चा भरे जाने से प्रमुख पद का चुनाव निर्विरोध घोषित हुआ, जिसके चलते सीट भाजपा के खाते में चली गई। बताते चलें कि प्रमुख पद के नामांकन हेतु गुरुवार को असनी से बीडीसी एवं भाजपा ब्लॉक प्रमुख पद प्रत्याशी राजकुमार पासी ने एडीओ पंचायत कार्यालय में अपना नामांकन किया। नामांकन के दौरान विधायक रामनरेश रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह, दीपू चौधरी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। दोपहर बाद नामांकन स्थल का डीएम वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने निरीक्षण भी किया। इस दौरान नामांकन समयावधि समाप्त होने तक अन्य किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया, जिसके चलते भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध घोषित किए गए। मौके पर भाजपाइयों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करा जीत का जश्न मनाया। तो वहीं निर्विरोध कराने में महती भूमिका निभाने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं भाजपा विधानसभा संयोजक सत्येंद्र प्रताप सिंह का लोगों ने फूलमाला एवं मुंह मीठा कराकर बधाई दी। इस दौरान भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप सिंह ने संगठन के साथ साथ आमजन की जीत बताते हुए सभी का आभार प्रकट किया। मौके पर विद्यासागर अवस्थी, भूपेश मिश्रा, दिनेश सिंह अलीपुर, अवधेश मिश्रा, मोहम्मद जाकिर, अतुल पांडे, भोलू सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विधायक जी, किस क्या नाम है प्रत्याशी का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? राजकुमार पासी इनका नाम है और ये आरक्षित सीट है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये अधिकृत प्रत्याशी हैं, पार्टी के द्वारा समर्थित प्रत्याशी हैं और पूरे आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे विकासखंड के यहाँ उपस्थित हैं। चाहे सत्येंद्र प्रताप सिंह जी हों पूर्व प्रमुख, चाहे दीपू भाई हों, चाहे दिनेश सिंह जी हों, चाहे माननीय विद्यासागर अवस्थी जी हों, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम विश्वास करते हैं 100% हमारी जीत सुनिश्चित है। जैसा कि जानकारी हुई है 3 प्रत्याशी खर्चा खरीदा पर, तो ऐसे में क्या उम्मीदें लगाई जा रही है? हमने कहा ना कि हम 100% जीतेंगे ही जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। थैंक यू।